लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का कई लोग पालन कर रहे हैं तो कई लोग इसका उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमें अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तस्वीर हमें देखने को मिली है, हम इस समय मौजूद हैं एक नए नवनिर्मित घर में। आज इस घर का गृह प्रवेश होना है और जो गृह मालिक है मदन प्रसाद गुप्ता, आप खुद सोच सकते हैं कि ये एक भव्य कार्यक्रम होता है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम इन्होंने जनवरी माह में ही तय कर ली थी कि घर बनेगा और इस तरह का गृह प्रवेश का कार्य होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनकी जो व्यवस्थाएं थी कुछ कम कर दी गई हैं क्योंकि ये खुद लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और देख रहे हैं सीमित लोगों के बीच यहाँ पर पूजा की तैयारी की गई है और पूजा का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से अन्य लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। आइए हम खुद चलते हैं मदन जी के पास। मदन जी, कैसा कार्यक्रम करने का पहले सोचे थे आप? पहले तो हम तीन महीना पहले सोचे हुए थे, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मेरा कार्यक्रम बढ़ गया और अभी अगर गृह प्रवेश नहीं करते हैं तो पंडित जी का कहना है कि एक साल नहीं बनेगा, जिसके कारण हम मतलब लॉकडाउन का पालन करते हुए और पूजा संपन्न करना चाह रहे हैं। मतलब भीड़ भाड़ नहीं लगा? भीड़ भाड़ नहीं लगाना, नहीं, सीमित लोग, सीमित घर के ही लोग हैं, घर के ही लोग हैं, सीमित लोग हैं और 8-10 से ज्यादा हम लोग नहीं। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं? उनका पालन करना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और क्या इसमें ज्यादा हम तो नहीं विशेष बदला बोल सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना बचाव के लिए सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की गई है या फिर एक संकेत दिए गए हैं कि किस तरह से इस वायरस का बचाव किया जा सकता है, तो उसमें जो लॉकडाउन का पालन करना वो बेहद ही जरूरी होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, कोई भी कार्यक्रम में भीड़ भाड़ नहीं लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज मदन प्रसाद गुप्ता ने उस चीज़ का पालन करके एक संदेश देने का काम किया है खलारी क्षेत्र के उन तमाम लोगों का जो लगातार क्षेत्र से जो शिकायतें मिलती हैं लॉकडाउन उल्लंघन का, वैसे लोगों को इनसे सीख लेने की जरूरत है।